गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रोहित फ्रॉम अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट वर्किंग इन RPIT कॉलेज का पचकनाल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा था ए वन फंक्शन मेरे पास क्या था। आ फंक्शन एफ इज सेट टू बी ए वन दिस एफ ओ माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू एफ ओ एक्स फॉर ऑल एक्स। तो दिस फंक्शन इज नॉन एज ए वन फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मेरे पास क्या था? अ पीरियोडिक फंक्शन और साइक्लिक फंक्शन इज अ फंक्शन दैट रिपीट्स इट्स वैल्यू एट पार्टिकल इंटरवल। तो दिस फंक्शन आर नॉन एज पीरियोडिक फंक्शन। एग्जाम्पल हमने देखे थे साइन एक्स कोस एक्स सेकेंड एक्स एंड कोसेकेंड एक्स आर द पीरियोडिक फंक्शन विद द पीरियड 2π, है ना। सिमिलरली अब जो टेन एक्स कोट एक्स आर द पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 5। थर्ड में मेरे पास क्या था? साइन 2x कोस 2x secant 2x and cosecant 2x are the periodic function with period 2π by 2. So this is equal to pi. So these functions are the periodic functions. आज हम discuss करेंगे odd function. A function f is said to be odd function if यदि मेरे पास f of minus x this is equal to minus f of x for all x. तो example है इसका sin x कोस क्यूब कोस एक्स कोस क्यूब साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन एक्स आर ऑल ऑड फंक्शन। ठीक है, साइन एक्स एक्स क्यूब कोस एक्स ये सब क्या है मेरे पास? ये मेरे पास क्या ऑड फंक्शंस। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम साइन एक्स का देखते हैं, साइन एक्स को हम ऑड फंक्शन है या नहीं उसको चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास गिवन साइन एक्स। उसके बाद एफ ओफ माइनस एक्स करते हैं, दिस इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स आ जाएगा। और साइन माइनस एक्स क्या आ जाएगा? माइनस बाहर आ जाता है साइन एक्स, और साइन एक्स की वैल्यू क्या थी? एफ ओफ एक्स। तो दिस इज इक्वल टू एफ ओफ माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू आ गया माइनस एफ ओफ एक्स। तो दिस फंक्शन इज ऑड फंक्शन। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज इज एन इनफाइनाइट सीरीज जो रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन एंड कोसाइन। तो सच दैट एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी इन टू ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। तो दिस फंक्शंस इज नॉन एज पीरियोडिक फंक्शंस बट इन टर्म ऑफ साइन एंड कोसाइन। तो दिस सीरीज इज नॉन एज फोरियर सीरीज। तो इट इज नॉन एज फोरियर ईलर फॉर्मूला। सो फोरियर ईलर फॉर्मूला भी हम इसको बोलते हैं। यहाँ पर जो ए नोट की वैल्यू क्या होती है? 1π इंटीग्रेशन सी टू सी प्लस 2π एफ ओफ एक्स विद रिस्पेक्ट एक्स। ए एन की वैल्यू क्या होती है? 1π इंटीग्रेशन सी सी प्लस 2π एफ ओफ एक्स कोस एन एक्स विद रिस्पेक्ट एक्स। एंड बी एन की वैल्यू मेरे पास क्या होती है? 1π इंटीग्रेशन सी सी प्लस 2π एफ ओफ एक्स साइन एक्स विद रिस्पेक्ट एक्स एन इज इक्वल टू 1 to infinity। तो देन द एक्सपेंशन फर्स्ट इज नॉन एज फोरियर सीरीज एंड द कॉन्स्टेंट ए नॉट ए एन बी एन आर कॉल्ड फोरियर कोफिशेंट ऑफ एफ। द वैल्यू ऑफ ए नॉट ए एन बी एन आर नाउन एज एलर फॉर्मूला। थैंक यू।